टूडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर टू इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लैंड यूज इन इंडिया दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर टू नाउ स्टार्ट भारत में भूमि का उपयोग लैंड यू यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सचेज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बिल्डिंग हाउसेज रोड्स एंड सेटिंग इंडस्ट्री लैंड का यूज जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए होता है जैसे एग्रीकल्चर के लिए खेती के लिए होता है जा, ज, ज, जा जंगल में जो है सो जीव जंतु को रहने के लिए होता है माइनिंग खा, खान खानों में हम लोगों को नीचे से ज़मीन के अंदर से मिनरल्स को निकालने में होता है घरों को बनाने में होता है रोडों को, को बनाने में होता है और औद्योगिक कल कारखानों को सेटिक करने में बैठाने में लगाने में होता है दिस इज नन एज लैंड यूज और इसी को जो है लैंड यूज के रूप में जाना जाता है ए नंबर ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन हाउ ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड इज लाइकली टू बी यूज बहुत सारे फैक्टर्स जो है सो so इस बात को निर्धारित करते हैं कि इस किसी छात्र क्षेत्र छे, की जो जमीन जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है लॉन्ग टर्न ऑफ रेवाइंस इन मध्य प्रदेश कैन नॉट बी यूज फॉर कल्टीवे कल्टिवेशन मध्य प्रदेश की भूमि की काफ़ी सारे क्षेत्र जो है खेती के लायक खेती में उपयोग नहीं की जा सकती है क्या हुआ द सेम इज ट्रू फॉर सॉयल्स विथ ए हाई प्रोपोर्सन ऑफ पीपल्स एंड ग्रेन्यूल्स सलाइन सोल्स आर नॉट सुटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स सैंडी रीजन रिमेन वैर एनलेस इरीगेशन वाटर बिकम्स अवेलेबल स्टिप सोल्स आर ये फॉर लेंग हाईवे और रेलवे ट्रैक्स अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे जो है सो कि अगर मिट्टी में कंकड़ बालू की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो जो है सो आप क्या होती है खेती के लायक नहीं होती है अगर मिट्टी में लवण की भी मात्रा भी जो ज़्यादा हो मिट्टी खारी हो तो भी वो फसल उपजाने के लिए सही नहीं होती है बलुई मिट्टी भी जो है तब तक बंजर रहती है जब तक वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है उसी तरह से खड़े ढाल वाले क्षेत्र जो है वो क्या होते हैं हाईवे और रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए सही नहीं होते हैं द अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड द इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस लैंड यूज द लोकेशन ऑफ न्यू हाइडल प्रोजेक्ट सेट स्टेप स्टेप ऑफ इंडस्ट्री एक्टिविटी इन द नेबरिंग रीजन माउंटेनस रीजन बिकम सेंटर ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वंस दे हैव बिकम एक्सेसिबल बाई रूट्स उपलब्ध उपलब्ध तकनीक और जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं जो हैं ये भी जो है लैंड यूज को प्रभावित करती हैं अगर मान लीजिए कहीं पर नई जो है हाइड्रल प्रोजेक्ट लगाया गया जल विद्युत का प्रोजेक्ट लगाया गया तो उससे क्या होगा आसपास के क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी प्रारंभ हो जाती है पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे क्या किया जा सकता है वो वहाँ आपके जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री लघु उद्योग और हम लोग कुटीर उद्योग की जो इंडस्ट्री स्थापित करते हैं कर, कर सकते हैं कब जब वो एरिया जो है सड़क से, से पहुंच के लायक हो जाए द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट थ्री थर्टी मिलियन हेक्टेयर अबाउट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द लैंड कॉम्प्राइज इज द नेट सोन एरिया भारत की जो लगभग तीन सौ तीस मिलियन हेक्टेयर जमीन ये जो है भारत की टोटल जो है सो भूभाग जो है वो 330 मिलियन हेक्टेयर है इसमें 51 परसेंट लैंड जो है वो क्या हुआ है सिंचित क्षेत्र है जहाँ in पे सिंचाई हो की सुविधा उपलब्ध है द पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन इंडिया इज जीरो पॉइंट टू जीरो हेक्टेयर प्रत्येक व्यक्ति पे यहाँ पे जो है लगभग पॉइंट टू जीरो हेक्टेयर जो है जो ज़मीन भारत में उपलब्ध है दिस फिगर इज़ हायर देन चाइना एंड जापान और चाइना और जापान की तुलना में यह फिगर जो है काफ़ी ज़्यादा है देर आर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंड यूज इन इंडिया भारत में जो है सो लैंड यूज के निम्न वर्ग हैं सबसे फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एरिया द एरिया अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज फ्राम एटीन पॉइंट वन वन परसेंट इन नाइनटीन सिक्सटी वन टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट इन टू थाउंड टू थाउजेंड टू थ्री भारत में जो है जंगल का जो क्षेत्र है वह उन्नीस सौ साठ इकसठ में जब अट्ठारह दशमलव एक एक प्रतिशत था उससे बढ़ करके दो हजार दो तीन में बाईस दशमलव पाँच प्रतिशत हो गया बट बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉन्ड इज नॉट एडुकेट फॉर ए ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया वेयर द मिनिमम एरिया नीडेड फॉर फॉरेस्ट शुड बी थर्टी थ्री परसेंट लेकिन भारत जैसे देश के लिए वन भूभाग का ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट होना यह जो है उचित नहीं है बल्कि यह कितना होना चाहिए था जितनी भारत की भूभाग है उसका टर्टी थ्री परसेंट जो है सो so एरिया जो है वन वन क्षेत्र का होना चाहिए था सेकेंड है नेट सोन एरिया यानी ऐसे एरिया जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं इफ़ यू ब्रिंग फॉलो लैंड अंडर कल्टीवेशन इट विल इन्हैंस दे आर नॉट नेट सोन एरिया द वर्ल्ड्स एवरेज नेट सोन एरिया इज ओनली थर्टी टू परसेंट इन इंडिया इट इज़ अबाउट फोर्टी सिक्स परसेंट द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया टू द टोटल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग टू द एरिया हम लोग जब बात करते हैं कि कितनी जमीन जो है सो कृषि के लायक है तो इसका मतलब है कि वो कितनी एरिया जो है सो सिंचित क्षेत्र है संसार में जो है कुल भूमि का थर्टी टू परसेंट जो है सो नेट सोन एरिया है लेकिन भारत में यह एरिया जो है भारत की कुल भुवा का फोर्टी सिक्स परसेंट है किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोग्रेस जो है वो जो है डिपेंड करता है कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया की तुलना में उसका नेट सोन एरिया कितना है नेक्स्ट है बैरन वेस्टलैंड बंजर बेकार भूमि बैरन वेस्टलैंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आसाम गुजरात मणिपुर मिजोरम एंड राजस्थान एंड सिक्किम बंजर जो है बेकार भूमि जो है ये भारत के आसाम गुजरात मणिपुर मिजोरम राजस्थान और सिक्किम जैसे राज्यों में पाई जाती है एरिया अंडर नन एग्रीकल्चर यूज कुछ ऐसे भी लैंड होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं लेकिन उनका खेती के रूप में उपयोग नहीं होता बल्कि किसी और कामों में यूज होता है जैसे अगर हम लोग बात करें तो बिल्डिंग रोड्स रेल लाइन्स रिवर्स कैनल इंडस्ट्री के अंडर दिस कैटेगरी मोर देन नाइन्टी एट परसेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया ऑफ चेन्नई अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज भवन सड़क रेल लाइन नदी नहर कल कारखाने ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं अगर हम लोग बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में जितनी जमीन है उसका 98 परसेंट एरिया जो है उसका यूज होता है सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर में फिर हमारा जो लास्ट जो है लैंड यूज का टाइप है वो है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड यानी परमानेंट आपका जो है जो चारागाह वाला क्षेत्र है उसका पास्टर आर आर बींग कन्वर्टेड इन टू तो एग्रीकल्चर फील्ड अब क्या हो रहा है कि जो चारा जो चारा जो थी चाहे जो हम लोग जंतुओं को जो है चराने के लिए जो क्षेत्रों जो हम लोग छोड़ते थे वो भी ये जो है एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट हो गया है टोटल एरिया अंडर पास इज नॉट सफिशियन कीपिंग इन व्यू द पॉपुलेशन ऑफ द लाइव स्टॉक हमारे